क्या आप जानते हैं हमारे देश में अधिकतर लोग पीठ दर्द से परेशान हैं और इस दर्द का मुख्य कारण है हमारे रीढ़ की हड्डी। हमें बैक पेन जैसी परेशानियों से मुक्त होना है तो हमें हमारी रीढ़ की हड्डी का ख्याल रखना होगा। या इस समस्या से आप ग्रसित हैं तो आपको सही इलाज की जरूरत है। बैक पेन केयर अवेयरनेस वीक के चलते आज हमें रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में और उनके इलाज के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं नागपुर के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं मैक्स केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संदीप वाघ। तो आइए जानते हैं इनसे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सभी समस्याएं और उनका समाधान हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप वाघ, स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन नागपुर। मेरा क्लिनिक मैक्स केयर ऑर्थोपेडिक एंड डेंटल क्लिनिक मनीष नगर में स्थित है। यहाँ पर मैं मुख्यतः स्पाइन के पेशेंट्स का चेकअप और आवश्यक ऐसा इलाज करता हूँ। सर, स्पाइन के बारे में अगर बात की जाए, रीढ़ की हड्डी के बारे में अगर बात की जाए, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा वो अंग है रीढ़ की हड्डी। बैक केयर अवेयरनेस वीक चल रहा है, इस उपलक्ष्य में आज हम रीढ़ की हड्डी इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। सर, रीढ़ की हड्डी जो है स्पाइन, इसमें कौन कौन सी व्याधियाँ हो सकती हैं? रीढ़ की हड्डी अगर हम देखें तो हमारे पूरे शरीर का मूल आधार है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सर से लेके नीचे पैर के सपोर्ट तक सारा कुछ एक रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही हमारे शरीर में बैलेंस होता है। तो इसमें दो तीन मुख्य व्याधियां जो हम जनरली देखते हैं कॉमनली, एक तो जो उम्र के साथ आने वाला होता है जिसको हम स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलो डिजेनरेटिव आर्थ्रोपैथी बोलते हैं, या कॉमन टर्म में जिसको स्पॉन्डिलोसिस हम कहते हैं। दूसरा है स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, जिसमें नसों का दबना गद्दे के पीछे जाने की वजह से होता है, वो एक कॉमन व्याधि है जिसमें पैरों में झिनझिनी आना या फिर कमर में दर्द होना, इस तरह के चिन्ह हमको देखने को मिलते हैं। फिर कुछ लोगों को उम्र के साथ हड्डियों का दबना जिसको ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रल फ्रैक्चर बोलते हैं, उसकी वजह से कमर में झुकाव और दर्द रहना, ये भी एक कॉमन व्याधि हमको देखने को मिलती है। रीढ़ की हड्डियों में व्याधियाँ बढ़ रही हैं, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सबसे साधारण सिम्टम अगर बोलेंगे तो कमर में दर्द या लो बैक एक जिसको बोलते हैं, इसके अलावा गर्दन में दर्द, हाथ पैर में झिनझिनी आना, चक्कर आना, या फिर बहुत लोगों को चलने में दिक्कत होना या थोड़े दूर चलने के बाद ही एकदम से पैर और इसमें दर्द बढ़ जाने से बैठने की जरूरत महसूस होना, इस तरह के चिन्ह देखें। आपने जो सिम्टम्स जो बताए हैं ये एक नॉर्मल सिम्टम्स है, हर किसी को हो सकते हैं, और हमारे समाज में निग्लिजेंस का एक बहुत बड़ा वातावरण है कि आज है कल नहीं होगा, देख लेंगे बाद में, इस तरह का। तो ये जो है ये किस तरह के हानिकारक हो सकते हैं? देखिए, कभी भी इंग्लिश में बोलते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी वक्त पे अगर हम उसको ठीक कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। डीजनरेशन है, या जैसे हम स्लिप डिस्क भी बोलेंगे, बार बार नसों का दबना, इसकी वजह से कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो बाद में आप अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं कर पाए। तो इसलिए अगर वक्त पे सही समय पे उसका इलाज करते हैं, सही समय पे हम फिजियोथेरेपी, कसरत करना, दवाइयाँ लेना, जो भी आवश्यक है वैसे बेल्ट पहनना, ये सब अगर हम फॉलो करते हैं तो हमको ये सब तकलीफें धीरे धीरे कम महसूस होगी और आगे जाकर भविष्य में किसी बड़े ऑपरेशन या बड़े इलाज को टाला जा सकता है। सर, रीढ़ की हड्डियों में व्याधियाँ हो रही हैं, अगर डायग्नोस करने की बात की जाए, पता करने की बात की जाए, तो इसके डायग्नोस के लिए क्या क्या उपचार यानी क्या क्या प्रक्रिया है? सबसे पहला पार्ट जो प्रक्रिया का है वो है आपके डॉक्टर से मिलने पर आपकी जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती है। बहुत बार 70-80% पेशेंट में हमको क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ही पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और उसको आगे कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। फिर उसमें आवश्यकता अनुसार एक्सरे करना या MRI, जो स्पाइन में काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट मानी जाती है। बहुत बार एक्सरे ना करते हुए डायरेक्ट MRI भी हम करवाते हैं ताकि डायरेक्टली हमको उसके कंक्लूजन निकले। इसके अलावा फिर कभी कभी नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है या और कुछ आवश्यक रहते हैं वैसे सोनोग्राफी वगैरह, इस टाइप के टेस्ट भी हम बताते हैं। पर साधारण सबसे पहला अगर आप बोलेंगे तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही इसका मेन पार्ट है। पहले जब रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ होती थी तो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता था,
लेकिन आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत सारी अलग अलग औषधि आ चुकी हैं और अलग अलग उपचार प्रक्रिया आ चुकी हैं, तो कौन कौन सी उपचार प्रक्रिया उपलब्ध है? देखिए, जो टाइम टेस्टेड है वो तो है कि एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ, ये तो कई सालों से प्रचलित है और इसको हम मूल आधार इसका ट्रीटमेंट का मान सकते हैं। इसके अलावा पहले के ज़माने में जो लोगों को डर होता था वो था ऑपरेशन का, जिसको बोलते हैं कि ऑपरेशन में होने वाले खतरे, उसको आज की मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत ज़्यादा ओवरकम कर लिया। मतलब आज अगर हम देखें तो ऑपरेशन की रिस्क बहुत कम हो चुकी है। बहुत सारी नई टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एंडोस्कोपिक स्पाइन कर रहे हैं या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नसों को होने वाला डैमेज था ये था वो भी बहुत कम हो गया है। पेशेंट्स जो कमर दर्द या ये महसूस करते थे तकलीफें, वो सब अब उनको नहीं महसूस हो रही है और काफ़ी तेज़ रिकवरी है। जैसे दूसरे दिन पे बहुत सारे पेशेंट को हम चलाने लगाते हैं या अलाउ करते हैं कि वो बेड से निकल के चल सके, तो ये सब चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। तो जो मूलभूत ट्रीटमेंट है वो तो वैसे ही है, पर उसके ऊपर एडेड अभी बहुत सारे एडवांटेजेस आ गए हैं न्यू मेडिसिन में, इसके वजह से बहुत आसान हो गया है ट्रीटमेंट करना। जी, चैनल के माध्यम से आपको देश दुनिया के लोग जो देख रहे हैं उनको क्या एक संदेश आप चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? अगर स्पाइन वीक को ध्यान से देखें तो हमको एक चीज समझने की जरूरत है कि स्पाइन का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहली बात तो रेगुलर एक्सरसाइज, जो इसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम कहेंगे कि डेली एक्सरसाइजेस हर उम्र के व्यक्ति, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, हर उम्र के व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार कसरत करना आवश्यक है। दूसरा, यानी जहाँ पर आपको तकलीफ है वहाँ तुरंत आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उसको घर पर इलाज करना, किसी से मालिश करवा लेना या फार्मासिस्ट से कोई भी दवाई लेकर काम चलाना, इस तरह का इलाज न करें। प्रॉपर साइंटिफिक वे से इसको ट्रीट करें और आप बड़ी चीज़ को टाल सकते हैं, समझ जाते हैं। अगर मैं मैक्स केयर ऑर्थोपेडिक एंड डेंटल क्लिनिक की अगर बात करूं तो यहाँ पे स्पाइन और ऑर्थो रिलेटेड और डेंटल कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है? मैक्स केयर ऑर्थोपेडिक एंड डेंटल क्लिनिक में हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ एक्सरेज, डिजिटल एक्सरेज हमारे पास है, कुछ न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हमारे पास है। डेंटल में भी ऑलमोस्ट सारे ही ट्रीटमेंट्स हमारे पास, रूट कैनाल से लेके जो भी एडवांस ट्रीटमेंट्स है वो भी सारी हमारे पास अवेलेबल है, डिजिटल एक्सरेज है। और फिर जहाँ पे आवश्यक होता है वहाँ पे हम सर हमारे साथ जो एसोसिएटेड इन्वेस्टिगेशन फॉर ये है उनसे भी हम हेल्प लेते हैं। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी संदर्भ में या हड्डियों के किसी भी रोग संदर्भ में आपसे संपर्क करना है या आपसे परामर्श लेना है तो वो किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमारा 24 आवर्स नंबर, मोबाइल नंबर्स है, जो आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में हमको कॉल कर सकते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, एम्बुलेंस से लेके जो भी आपको आवश्यकता अनुसार ज़रूरत होगी वो हम सब अवेलेबल कराते हैं। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये नंबर्स भी शेयर करना चाहता हूँ ताकि कभी भी किसी भी वक्त अगर आपको लगे तो आप निश्चिंत होकर हमें फ़ोन करिए, आपके डॉक्टर्स आपसे डायरेक्ट भी बात करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी और आपको पूरी तरह से मदद करने की। मैक्स केयर ऑर्थोपेडिक एंड डेंटल क्लिनिक ये मनीष नगर में मेन रोड पर, बेलतरोड़ी रोड मेन रोड पर ही, अजीत बेकरी के बिल्कुल बाजू में, इजीली अवेलेबल है। मेट्रो का नया ब्रिज भी अभी बन चुका है तो नागपुर के किसी भी क्षेत्र से आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो कभी भी आप यहाँ पर सेवा ले सकते हैं।